सन्नाटा क्यों है? सबको सांप क्यों सूंघा हुआ है? अरे वर्ल्ड कप चल रहा है, कोई टीवी क्यों नहीं देख रहा है? हमको बहुत काम है, हमको डिस्टर्ब मत करो। अच्छा मम्मी, कुछ हुआ है क्या? क्या होगा, वैसे भी घर में कुछ है होने के लिए जो होगा। पापा को वैसे भी हम लोग के बातचीत से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, तो चुप हो जाओ। अच्छा पापा, आप बता दीजिए हुआ क्या है। अपनी मम्मी से ही पूछ लो हुआ क्या है। अच्छा आप दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? हमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इनमें, तो झगड़ा तो दूर की बात। वैसे भी इनको खाली एक ही चीज में तो इंटरेस्ट है घर में, टीवी और टीवी पे आने वाला मैच। हम तो टीवी कब का बंद कर दिए थे, फिर भी तुम्हारी मम्मी के मुंह में दही जमा हुआ है कब से। दही? हाँ तो मुंह में दही जमेगा ही ना, किसी के कान में दही जमा हुआ है तो किसी के मुंह में जमेगा। अच्छा अच्छा बहुत हो गया, अब बता भी दीजिए महाभारत का कारण क्या है आप दोनों का। तुम्हारी मम्मी आज तक कभी शांत स्वभाव से रही है क्या जो आज रहेगी? शांति? शांति का तो बात ही मत करिए, घर में बातचीत करने के लिए है ही कौन, सारा टाइम तो घर शांति रहता है। बेटी ऑफिस चली जाती है, छोटी बेटी स्कूल, और पति, पति को तो एक ही आवाज सुनाई देता है, टीवी का, बीवी का नहीं। ऐसा क्या सुनाई नहीं दिया? मतलब यहाँ वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, आदमी क्रिकेट देखेगा, कमेंट्री सुनेगा कि आपका गब्बाजी में इंटरेस्ट देगा। गब्बाजी? इतना किसी को नहीं इंटरेस्ट है आप में कि बैठकर आपसे गप मारेगा। बाप रे बाप, हुआ क्या है, कोई बताएगा कि हम भी आप लोगों की तरह मौन व्रत धारण कर ले। मौन व्रत? ऐसे तो तुम्हारा बहुत मुंह चलता है। पापा वाईफाई नहीं काम कर रहा, पापा मोबाइल रिचार्ज करा दीजिए, पापा पार्किंग में हेल्प कर दीजिए, और आज तुम भी मम्मी की तरह मौन व्रत धारण करने को तैयार है। वाह बेटा। अरे पापा आप लोग पॉइंट पे क्यों नहीं आ रहे, झगड़ा किस लिए हुआ है ये तो बताइए। जो झगड़ा करता है ना बेटा, उसी के मुंह से सुन लो हुआ क्या है। अच्छा तो हम झगड़ा शुरू किए हैं? एक काम आपको बोल दो तो आपसे होता नहीं है, आपको तो खाली आपका टीवी दे दीजिए, बस वही आपका दुनिया है। यही तो प्रॉब्लम है इस घर का, मतलब आदमी 2 मिनट बैठ करके मैच देख लिया, उसी में इतना बवाल हो गया, उसी समय पूरे घर में सबको काम याद आ गया। यही तो प्रॉब्लम है इस फैमिली का। फैमिली? किसकी फैमिली के बारे में बोला आपने, जरा बताइए। अरे अपनी फैमिली, मतलब सूजी, छोटी, आप और कौन? पापा मम्मी बहुत हो गया, आप लोग बताएंगे हुआ क्या है या फिर आज रात को हम निधि के घर जाएं सोने के लिए। अच्छा अच्छा सुनो, तुमको याद है झुन्नी मौसी के घर से हमको एक साड़ी मिला था उनके ससुराल से, गुलाबी रंग का? हाँ हाँ वही ना जो तुमको एकदम पसंद नहीं था। मार खा जाओगी। मौसी हमको वो साड़ी बहुत प्यार से दी थी, इसलिए हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं और बहुत कम पहनते हैं। सुबह हम वो साड़ी पापा को दिए आयरन करने के लिए। हाँ तो मैच देखने के चक्कर में साड़ी इनसे आयरन नहीं हो पाया और इस्त्री वाले को दे दिया आयरन करने के लिए। एक काम नहीं करते मेरा। तो बात तो एक ही है ना, हम आयरन करें या इस्त्री वाला। और इस्त्री वाला कब देगा साड़ी वापस? 3-4 दिन में मिल जाएगा। सुन लिया? तो क्या होगा, मिल तो जाएगा ना 3-4 दिन में। और पापा आयरन करे या इस्त्री वाला आयरन करे, बात तो एक ही है ना। तुम चुप रहो वरना तुमसे ही बात करना बंद कर देंगे। मौसी आज शाम को आ रही है, तो हमको शाम को ही साड़ी पहनना था ना, इसीलिए तो आयरन करने दिए थे। अब साड़ी 3-4 दिन बाद मिलेगा, क्या फायदा हुआ? मम्मी आज तक तो तुम वो साड़ी पहनी नहीं, आज तुमको वही साड़ी पहनना है।
और इतना छोटा बात पे कौन झगड़ा करता है, वो भी इतना देर तक। और मम्मी तुम तो हर साड़ी में सुंदर लगती है, तुम्हारे पास तो एक से एक साड़ी है, पहन लो कोई भी। हाँ हाँ वो तो हमको ही पता है कि हम सब साड़ी में सुंदर लगते हैं, लेकिन सीधे मुंह बात करें तब तो। सुबह से पूछ रहे हैं साड़ी आयरन हुआ, साड़ी आयरन हुआ, कुछ बोल ही नहीं रहे मैच देखने के चक्कर में। जब झगड़ा किए तब जाके पता चला इस्त्री वाले को साड़ी देकर के आए हैं और 4 दिन लगेगा साड़ी मिलने में। आप ही मुंह फुला के बैठी हुई रहती हैं, हैं? इतना गुस्सा हो गई कि टीवी ही बंद करा दिया, वर्ल्ड कप का मैच नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा अच्छा बहुत हो गया आप लोग का, अब चलिए एक दूसरे को सॉरी बोलिए और झगड़ा यहीं खत्म करिए बस। अच्छा हम ही पहले बोल देते हैं। देवी जी थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, वैसे भी आप हर साड़ी में सुंदर लगती हैं। सॉरी अब मान भी जाइए, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए और थोड़ा चाय बना दीजिए, सुबह से आपके हाथ का चाय नहीं पिए, शायद इसीलिए दिमाग ज्यादा खराब हो गया है। इतना सा छोटा सा बात का राई का पहाड़ बना दिए हैं। वाह वाह इसी हंसी का तो हम लोग इंतजार कर रहे थे। ठीक है ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि वही साड़ी पहनेंगे, वैसे भी हम सब साड़ी में सुंदर लगते हैं। आज आपका दिया हुआ वो नारंगी वाला साड़ी शाम को पहनते हैं हम। ये हुई ना बात। अरे छोटी भी आ गई, आओ आओ छोटी, मम्मी अभी चाय बना रही थी, छोटी के लिए भी थोड़ा चाय बना दीजिए। अच्छा सुलह हो गया आप दोनों का, वाह। मम्मी मेरे से कितना देर तक नाराज रहेगी, बस सॉरी बोल दिए हम, मान गए मम्मी हैं? वाह पापा अच्छा हुआ मम्मी मान गई, क्योंकि लॉन्ड्री वाले ने बोला है जिस हिसाब से साड़ी जलाया ना आपने वो रफ्फू करके भी ठीक नहीं होगा, बिल्कुल आंचल से जलाया मैच देखने के चक्कर में। वो तो अच्छा हुआ मम्मी मान गई, हम पहले ही कह रहे थे, सच बोल दीजिए मान जाएगी आप भी ना। देख लिया मैच के चक्कर में मेरी साड़ी जला दी, देख लिया। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।